नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। पेशे हापुड़ की आज की बड़ी खबरें। एलर्जी चरम रोग की दवाइयों के लिए संपर्क करें 9837509509 पर। हापुड़ के बाजारों में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। हापुड़ के बाजारों में मंगलवार को लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि लोग कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं की खबर से बेखबर हैं, जबकि कोविड 19 संक्रमण का असर कम हुआ है, लेकिन असर समाप्त नहीं हुआ। हापुड़ का गोल मार्केट, चंडी रोड, पक्का बाग, चौपला, कसेरट बाजार, पुराना बाजार में लोगों की भीड़ बिना मास्क लगाए बेफिक्र होकर घूमती हुई दिखाई दी। हापुड़ में मिले मंगलवार को 3 कोरोना संक्रमित मरीज। जनपद हापुड़ में मंगलवार की शाम तक 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इन तीनों कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया है। धोलाना में एक, सुखपाल की मडैया पिलखुआ में एक और एक कोरोना मरीज हापुड़ पुलिस लाइन में मिला है। सभी मरीजों का उपचार शुरू हो गया है। अवैध बूचड़ खाने की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। थाना हापुड़ देहात के गांव पटना के जंगल में काली नदी के पास चल रहे अवैध बूचड़ खाने के मामले की जांच 3 सदस्यीय टीम करेगी। टीम के हिस्से होंगे उपजिला मजिस्ट्रेट सतप्रकाश, पुलिस क्षेत्र अधिकारी एसएन वैभव पांडे और पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार। टीम का गठन जिलाधिकारी अनु सिंह ने किया है। ज्येष्ठ दशहरा पर गंगा स्नान पर रोक। जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी अनु सिंह ने ज्येष्ठ माह के गंगा दशहरा उत्सव पर गंगा स्नान के लिए प्रतिबंध करते हुए गंगा किनारे समस्त धार्मिक गतिविधियां को रोकने के आदेश दिए हैं। ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा उत्सव 20 जून को है। हापुड़ में खरगोश का शिकार करते हुए तेंदुए का वीडियो वायरल। हापुड़ में तेंदुए का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेंदुआ खरगोश का शिकार करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जनपद हापुड़ की तहसील गढ़ के गांव पावटी का है, जहां पिछले 4 दिनों से तेंदुए ने दहशत फैलाई हुई है। तेंदुआ 4 दिन पहले ग्रामीणों का नजर आया। सोमवार रात गांव की ओर जा रहे कार सवार ग्रामीण ने तेंदुए को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो में तेंदुआ शिकार कर